नमस्कार दोस्तों, साउथ कोरिया जहां पर लिटरेसी रेट 98% से भी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, और उसी कोरिया में इंडियंस के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। साथ ही साथ नेपालियों को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिल रही है साउथ कोरिया में। सो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोरिया की कई सारी सिटीज में देखा गया, और मोस्टली सियोल के क्लब के बाहर देखा गया, जहां पर पोस्टर तक लगा दिए गए कि इंडियंस नॉट अलाउड। साथ साथ इंडियंस को एंट्री भी नहीं मिलती इन क्लब्स में। कई क्लब्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स पर इंडियंस के साथ खुले आम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, जिसे एक इंडियन एक्सपीरियंस भी करती हैं। और वो जब शॉप पर शॉपिंग करने जाती है क्लोथ्स की, तो जैसे ही वो कपड़ों को छूती है, तो कोरियन वहां पर जो वर्कर होते हैं वो आते हैं और उसको झाड़ने सा लगते हैं, और वो ऐसा प्रिटेंड कराते कि आपके छूने से ये कपड़े गंदे हो गए। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. और ऐसे ही कुछ फील करते एक इंडियन यूट्यूबर राज, जो कि 9 साल से कोरिया में रह रहे हैं। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोरिया के क्लब में जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उनको एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सभी इंडियंस होते हैं। और कहा जाता है कि आप दूसरे क्लब में देखिए, जब वो दूसरे क्लब में जाते हैं तो वहां पर उनको और बुरी तरीके से भगाया जाता है। फिर वो तीसरे क्लब में जाते हैं, और ऐसा मोस्टली सारे ही क्लब में उनको देखने को मिलता है, और उनको एंट्री नहीं मिलती क्लब्स में। सो डेफिनेटली डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज में कोरियन काफी ज्यादा आगे हैं। कोरिया की करीबन 500 से भी ज्यादा कंपनीज है जो कि सिर्फ इंडिया में काम करती हैं, इंडियंस को ही प्रोडक्ट बनाकर देती हैं, जैसे कि LG, किया, सैमसंग, और इन सब की एक काफी बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में। लेकिन अगर आप लोग सर्च करोगे सिर्फ यूट्यूब पर ही, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो उनको वहाँ पर झेलने पड़े एज एन इंडियन। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जो कि इंडिया में ही हो रहा था, इंडिया में ही इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। दोस्तों, किया का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के में है, जहां पर कई कोरियंस भी काम करते हैं, और उसके आसपास कई 15 से 20 रेस्टोरेंट जो कि कोरियन रेस्टोरेंट हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, एज ए इंडियन आपको वहां पर एंट्री ही नहीं मिलती। ये वैसा ही कुछ 70 साल पुराना ब्रिटिश रूल दिख रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं पोस्टर लगा दिए जाते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वो भी इंडियन लैंड पर ही। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिला। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो भी इंडियन नहीं है, वो नेपाली मूल के वर्कर्स हैं जो कि वहाँ काम कर रहे हैं। साथ साथ जो कुक्स हैं वो भी नेपाली हैं। काम करते हैं, इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं जी? अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। वो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कोरियन लोग कहीं ना कहीं इंडियंस को पसंद नहीं करते, या फिर अपने साथ देखना नहीं चाहते, जो कि एक बहुत बड़ा रेसिज्म फैक्टर है जो कि देखने को मिला है। तो हमें हाल ही में देखने को मिला कि कोरियंस ने प्रेफरेंस रखी और नेपाली लोगों को ज्यादा लेने की बात कही फॉर वर्क परमिट, स्टडी परमिट और बहुत सारे वीजा फैक्टर में, और कहा कि 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय के तौर पर वो नेपाली लोगों को लेंगे। तो कहीं ना कहीं कोरियंस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है नेपाली लोगों के साथ इन कंपैरिजन टू इंडियन लोगों के साथ। और इस डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप डाइविंग करना पड़ेगा कि ऐसा कोरियंस क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और ये कहीं ना कहीं नेपालियों को बचा लेती है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह है वो यहाँ का ब्यूटी स्टैंडर्ड है। तो कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड काफी रिजिड है, काफी सख्त है, काफी खतरनाक है, अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा अवेयर रहते हैं, और अच्छा दिखना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कई कोरियंस के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कई लेवल्स पर, जो कि अच्छे नहीं दिखते हैं, जैसे कि जॉब्स में और कई और चीजों में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उनके खिलाफ। साथ साथ यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी हैं इन चीजों को लेकर, जैसे कि सीज द आइडियल ब्रा कप साइज। बड़ी फर्म्स प्रिफर करती हैं जिन लोगों की आंखें अच्छी होंगी, सुंदर होंगी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए आपकी नोज थोड़ी हाई होनी चाहिए, और ऐसी ही कुछ रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनी जॉब्स के लिए, जिनको आए दिन कोरियन लोगों को फेस करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है विद इन द कोरिया, और इसीलिए ये लोग लुक्स के लेकर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी को लेकर कोरिया में एक सर्वे हुआ 900 से भी ज्यादा बिजनेस को लेकर, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के थे। यहाँ पर 60% ऑफ बिजनेस रेज्यूमे के साथ आपकी फोटो भी लेंगे, और वो लोग आपकी फोटो भी लेंगे जो कि लुक्स के वाइज आपको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सिर्फ आपकी स्किल नहीं, यहाँ पर आपका फेस भी मायने रखता है। आप जितना ही अच्छा दिखोगे, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। और ये चीज इनके कल्चर में इतनी ज्यादा घुस चुकी है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी कहते हैं, अगर आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लो और अच्छे दिखो, क्योंकि सच में बड़ा बकवास लगता है। और यही कारण है कि प्लास्टिक सर्जरी कोरिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जो कि सभी कोरियंस कहीं ना कहीं इस फेस से जाते हैं। और जो हमको अच्छे कोरियंस दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ
प्लास्टिक सर्जरी के नतीजे हैं और कुछ भी नहीं। ओंग जिसान जुई, जिसका कोरियन में मतलब है लुकिज्म, यानी कि लुक इज सुप्रीम, यानी कि आपके लुक्स सबसे ऊपर है। इवन ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों को कहीं गिफ्ट के तौर पर या फिर मोबाइल फोन मिलेगा या फिर बाइक्स मिलती, वहां पर प्लास्टिक सर्जरी एज ए गिफ्ट दी जाती है ग्रेजुएशन के। और ये पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं मन में रेसिज्म पैदा कर देता है कि वो बुरा दिख रहा है, वो काला दिख रहा है और मैं अच्छा दिख रहा हूँ, और ज्यादा अच्छा दिखने वाला ज्यादा अच्छा है। और अपीयरेंस को लेकर कहीं ना कहीं कोरिया इसीलिए ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस का कलर ब्राउन होता है और इसीलिए उनको डिस्क्रिमिनेट करना भी आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू नेपाली लोग, क्योंकि नेपाली लोग के पास कहीं ना कहीं मंगोलियन जीन है जिसके चलते वो थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं कोरियन लोगों के जैसे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं नेपाली लोग तो बच जाते हैं लेकिन इंडियंस के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये भी है कि 1948 के बाद जब कोरिया को आजादी मिली तो कहीं ना कहीं कोरिया काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, वो अपने आप को लेकर काफी ज्यादा पेट्रियोटिक हो गए और अपने आप को काफी बड़ा मानते हैं, यानी कि जो कोरिया में कोरियन है वो ज्यादा सुप्रीम है इन कंपैरिजन टू अदर लोग जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। और ये भावनाएं कहीं ना कहीं आजादी के बाद से ही डेवलप करने लगी, और कहीं ना कहीं ये भी कारण है जो कि एक रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है कोरियंस में। और हाल ही में जब एक सर्वे कराया गया कोरिया में, तब अराउंड 15% लोग ये मानते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे अराउंड सिर्फ और सिर्फ कोरियन लोग ही हो, यानी कि वो अपने नेबर के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कोरियन लोगों को ही चाहते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। और तभी कहीं ना कहीं 10 में से 7 फॉरेन टूरिस्ट को रेसिज्म में झेलना पड़ता है कोरिया में, और इंडियंस के साथ ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन क्या इंडिया के साथ इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे सिर्फ लुक्स ही जिम्मेदार है? तो ऐसा भी नहीं है। राज जिनकी हमने पहले बात की थी और उन्होंने वीडियो शूट किया था क्लब्स के बाहर का, तो वहां पर एक बैनर पर लिखा था इंडियन एंड पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड बिकॉज दे डोंट फॉलो रूल्स, और इसीलिए कहीं ना कहीं क्लब्स में एंट्री नहीं होती। हालांकि इस चीज को लेकर उन्होंने शिकायत भी की थी और इस पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें यह भी पता चला कि इन क्लब्स में इंडियंस पहले से ही बाहर से ही ड्रिंक्स पी कर जाते हैं और जिसके बाद वो अंदर जाकर कोई भी ड्रिंक नहीं खरीदते और इन क्लब्स के रूल को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण ही उनको कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल लगाने पड़े और इंडियंस को वो लोग नहीं अलाउ करते। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत भी है कि आप एक ही चीज सबके ऊपर नहीं थोप सकते, ये तो ऐसा ही हो गया कि क्राइम कोई और करे और उसकी सजा सबको दे दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं सेट ऑफ रूल बहुत ही गलत है। वही नेपाली लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं, वो सेट ऑफ रूल को भी फॉलो करते हैं और इसीलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता नेपाली लोगों के साथ कोरिया के क्लब्स में और कहीं और भी। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं एक तीसरे कारण की वजह से, जो कि एक बड़ा कारण है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पर रेसिज्म होता है, और वो कारण है कि कोरिया में कोई भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स नहीं है, यानी कि कोरियंस आराम से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और कोई भी सेट ऑफ रूल उनको इस चीज से रोकते नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वहां पर ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट वहां पर जरूर चाहती है कि ऐसा लॉ पास किया जाए, और पहले ही कई गवर्नमेंट ने ऐसे करने की कोशिश भी की है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा विरोध होता है कोरिया में, जो कि बहुत सारे बिजनेस हैं, यूनियंस हैं, जो कि इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है कि इस रूल को मत पास करो, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को मत पास करो, और ये सारे ही बिजनेस कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं और सरकारों के खिलाफ चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस ही फंड देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इसीलिए पीछे हो जाती है क्योंकि उनकी सरकार गिरने की नौबत आ जाती है अगर वो इन लॉ को पास करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सर्कल पूरा होता है। और इसी कारण से कोई भी एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ नहीं बन पाया है कोरिया में, जिसके कारण बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और इस चीज को कोरियंस भी मानते हैं कि कोरिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट इन लॉस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तभी बनेगा जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, जैसे कि इंडियंस के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोरियन गवर्नमेंट पर अप्रोच जरूर करनी पड़ेगी, प्रेशर जरूर करना पड़ेगा और ये चीजें बतानी पड़ेगी क्लियरली कि यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं झेलने वाले। चौथी एक और चीज है जो कि यहाँ पर रेसिज्म को पैदा करती है, वो है यहाँ पर लिटरेसी रेट, जो कि 98% तक की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 20% से भी ज्यादा यूथ है वो बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 98% से भी ज्यादा लोग है वो कोई भी छोटा काम नहीं करना चाहते, जिसके चलते वो सारी ही जगह खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वर्कर्स तो चाहिए उन काम को कंप्लीट करने के लिए, और ये जो यूथ है वो उन सभी कामों को छोटा मानता है और नहीं करते हैं, जिसके चलते कोरियन गवर्नमेंट को बाहर से लोगों को लाना पड़ता है, और मोस्टली इंडियन ओरिजिन के लोग जाते हैं वहां पर ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कोरियंस नहीं करना चाहते और जिन कामों को वो छोटा मानते हैं, और उन छोटे कामों को इंडियंस करते हैं, और कहीं ना कहीं वही डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देता है कि ये काम छोटा है और ये इंडियन कर रहे हैं और इसीलिए ये भी छोटे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक इन्फीरियर वाला ट्रीटमेंट इंडियंस के साथ होता है और आराम से इंडियंस को पहचाना जा सकता है, इसीलिए रेसिज्म के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं कई सारे नेपालीज भी काम करने के लिए कोरिया में जाते हैं,
लेकिन वो कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं, इसी के कारण उनके साथ कुछ ज्यादा ऐसा बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है। बट हर जगह की तरह कोरिया में हर कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे कोरियंस हैं जो कि इन रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज्यादा खिलाफ भी हैं, और वो मानते भी हैं कि कोरिया में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो ये भी जानते हैं कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है समय के साथ। कोरियंस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उनके के पॉप कल्चर के लिए, के ड्रामा के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। उनके सॉन्ग्स को पूरे वर्ल्ड में काफी अप्रिशिएशन मिलता है, इंक्लूडिंग नेपाल, इंडिया और बहुत सारी एशियन कंट्रीज में भी। बट अगर ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब आ जाएगी कोरियंस के खिलाफ। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही कोरियंस खराब है और हमें इन चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस कहीं ना कहीं कोरिया में भी आ रहे हैं और कोरियंस भी इन चीज़ों को मानते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें नेपालियों के साथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये किसी भी देश के किसी भी सिटीजन के साथ होती है तो कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगता है, काफ़ी हर्टफुल लगता है। अगर आप ही कोई देश जाते हो और आपके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको भी बुरा लगेगा। आपकी क्या है इन सभी चीजों पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने भी कोरिया में कोई ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया एज ए नेपाली, एज इंडिया या फिर कोई और देश से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए अनन्या न्यूज़। विश यू ऑल।